दादी ने मारा सोनिया को थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे जब सोनिया और मलिष्का मिलकर नीलम के सामने ये प्रूफ कर देती है कि खाना लक्ष्मी खा चुकी है और वो उसने अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है। बल्कि नीलम को जो है मलिष्का किस बात पर पहले विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो सालू के हाथ में उस थाली को देख लेती है तो उसको लगता है कि शायद लक्ष्मी ने सच में खाना खा लिया है। लक्ष्मी नीचे सभी औरतों के साथ पूजा कर रही होती है, तभी नीलम गुस्से में आती है और उसे कहती है कि बंद करो ये पूजा का नाटक, और कहती है कि जब तुम पहले ही खाना खा चुकी हो तो फिर ये करवा चौथ रखने का व्रत नाटक क्यों कर रही हो। मलिष्का और सोनिया मिलकर पीछे से आग में घी डालने का काम करते हैं। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप खड़ी हुई सुन रही होती है। तभी अचानक आयुष वहां पर आता है और लक्ष्मी के ऊपर सभी को बरसते हुए देख वो लक्ष्मी का फेवर करता है। बेचारी लक्ष्मी जो है स्ट्रेस में आकर बेहोश हो जाती है। सोनिया फिर भी नहीं मानती और कहती है ये नाटक कर रही है, जिस पर दादी उसको जमकर थप्पड़ मारती है। तभी वहां पर ऋषि आ जाता है, लक्ष्मी को बेहोश देखकर बहुत दुखी होता है। बेहोश होने का कारण वो नीलम से पूछता है। नीलम कहती है कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नाटक कर रही है, जिस पर ऋषि को गुस्सा आ जाता है और जमकर नीलम को लताड़ता है और वो सारा इल्जाम जो है उस प्लेट का अपने ऊपर ले लेता है। कहता है कि वो प्लेट मेरी थी, लक्ष्मी ने खाना नहीं खाया है। ये देखकर सोनिया और मलिष्का को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। उसके बाद जो है लक्ष्मी को होश आ जाता है। इसमें ऋषि जो है लक्ष्मी की केयर करता हुआ नजर आ रहा है, तो मलिष्का का प्लान जो है फिर से फ्लॉप हो गया है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं जानकारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।